Hey, but what's up? It's a I'm back with another video. Day 3 की एक्सरसाइज लेके हाजिर हूँ. जल्दी जल्दी आइए मेरे साथ, कल पढ़ाना है. आज टाइम वेस्ट ना करे, सब्सक्राइब को गोली मारे, सब कुछ गोली मारे. अगर मेरा मेरा आपको सीरीज पसंद आती है तो फिर लाइक कर देना यार, दिल खुश हो जाए थोड़ा सा. आपकी पहले एक्सरसाइज आती है हैंगिंग एक्सरसाइज. डे 3 की एक्सरसाइज है. यहाँ पे अपने हैंग में अपने आपको हैंग कर लेना है. उसके बाद आपने सिर्फ जैसे एप्स लगाते हैं, एप्स का देखा है, एप्स वाली वर्कआउट देखिए लोगों की, जो मतलब सिक्स पैक्स होते हैं ना, उस तरह की सेम एक्सरसाइज है. पर आपने अपनी पीछे वाली अपर बॉडी नहीं हिलानी, नीचे वाली आपने लोअर बॉडी जो है अप करनी है, अपने स्टमक तक. स्टमक मैदा जहाँ पे आपका होता है ना, नाप से थोड़ा सा ऊपर, वहाँ पर आपने, वहाँ तक आपने डोज ले जानी है अपनी. 45 सेकंड तक आपने कंटिन्यूस जारी रखना है. टाइमिंग आपको एक स्टॉप वॉच की जरूरत पड़ेगी, वो अपने साथ रखिए बराए मेहरबानी. और यहाँ पे आपका 3-2-1 अप करते हैं. 3-2-1 अप करने के बाद आपके आ जाता है कोबरा स्ट्रेच. कोबरा स्ट्रेच आपकी पुरानी वाली एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई हुई है, 45 सेकंड तक वही करनी है. सिंपल सी एक्सरसाइज है, पर यहाँ पे जो आपने पीछे जो अपने आपको होल्ड करके रखा है ना, प्रेशर जो हथेलियों से ना थोड़ा सा ना पीछे की तरफ, शोल्डर्स की तरफ प्रेशर देना, ताकि कोबरा स्ट्रेच में ना कोबरा स्ट्रेच नाम चेक करो ना, सांप की तरह खड़े होना है, मतलब सांप की तरह को अपने आप को होल्ड करना है. उसके बाद आपने 45 सेकंड तक कंटिन्यूसली जारी रखना है. तो इसके बाद 45 सेकंड जहां आप होते हैं, आप आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे. अगर सीधा से हो जाए तो 3-2-1 लेट्स गो. इसके बाद आपकी आ जाती है फॉरवर्ड स्पाइन स्ट्रेच. फॉरवर्ड स्पाइन स्ट्रेच करनी है. ये थोड़ी सी नई एक्सरसाइज आई है, डीसी है ना, चलते जा रहे हैं ना, ऐसा ऐसा चल रहे. तो आपने अपने आप को ना स्पाइन को ना आगे ले जाना, स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी पीछे की होती है ना, रीढ़ की हड्डी, वो आपने अपने दोनों पाँव की, पाँव अपने हाथ दोनों आगे की तरफ जाने. नेक को जैसे देख रहे हैं, बॉडी में एंगल देख रहे हो ना, मतलब वीडियो में एंगल देख रहे हो ना, जैसे 45 सेकंड तक है कंटिन्यूसली जारी रखना है. पाँव आप आगे की तरफ ले जाओगे और हाथ भी आप आगे की तरफ ले जाओगे. थोड़ा सा जोर लगेगा, पर लाइफ में थोड़ा चेंज चाहते हो ना, 45 सेकंड तक बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको. सॉरी इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ चेंज हो रही है. 3-2-1 लेट्स गो नेक्स्ट. इसके बाद आपकी आ जाती कैट एंड काउ स्ट्रेच. मतलब एक कैट और काउ की तरह आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेच करवाना है. स्ट्रेच करवाओगे आप इस तरीके से जैसे आपको वीडियो के एंगल में नजर आ रहा है. मतलब आपने नीचे से अपनी स्पाइनल कॉर्ड नीचे रखनी है, टांगे आपकी नहीं हिलनी चाहिए. स्पाइनल कॉर्ड नीचे रखनी है, अप करनी है, नीचे करनी है, अप करनी है, नीचे करनी है, अप करनी है. नीचे करते वक्त ना अपनी गर्दन जो है ना, आपकी जो नेक है वो भी आप नीचे करना, ताकि आप नीचे मतलब अपनी ये घुटने हैं ना जहाँ, इन्हें देखना, यहाँ घुटनों को देखोगे ना और आंखें सीधी नीचे जानी चाहिए. 45 सेकंड तक बर्दाश्त करना थोड़ी सी मुश्किल है, पर लिटल बिट चेंज तो चाहिए ना, तो कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा. तो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, खो तो कुछ नहीं रहती. 2-1 लेट्स गो नेक्स्ट. इसके बाद आप क्या जल्दी सीखे टो टच. पुरानी एक्सरसाइज जो मैंने आपको पहला वाला पैटर्न बताया, जैसे आपको सेम पुरानी एक्सरसाइज में नहीं देखी तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, जाके चेक कर लेना वीडियो. अगर देख लिया तो वेल एंड गुड यार. गाइस 45 सेकंड तक आप ये करते रहे. अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ बिन लाइक कर दिया करें. पर डीमोटिवेट हो जाता हूँ, मेरे अंदर की हैसियत से निकलती है. बहुत हो गया मजाक, एक्सरसाइज पे फोकस करो 45 सेकंड तक. और जब यहाँ पे एक्सरसाइज करते रहो तो मेरी वॉइस बेशक म्यूट कर देना, क्योंकि आपको सिंपल से लॉजिक समझ आ गया होगा 45 सेकंड तक. नेक्स्ट तो वीडियो समझाना मेरी ही जिम्मेदारी है. 3-2-1 लेट्स गो इन नेक्स्ट. अखलास हमारी लास्ट एक्सरसाइज है रॉप जंपिंग आपने देखी है. यहाँ मैं फुल वीडियो आपको शो नहीं कर सका, पर आपने क्या बोलते थे उन्हें रॉप जंपिंग आपने देखी होगी यार. रॉप जंपिंग आपने देखी होगी, सिंपल सी होती है. मैं किसके साथ ना वीडियो हल्की से टच कर दूंगा, वहाँ भी आप चेक कर सकते हो. रॉप जंपिंग पिक्चर एक टच कर दूंगा, एक जैसे आप यार देखी होगी, कैसे नहीं देखी होगी, आप लोगों ने सबने देखी होगी, रस्सी पकड़ के ऊपर से छलांगे मारते हैं. समझ आई सीधी लैंग्वेज में जब समझाया था. 3-2-1 लेट्स गो लास्ट. कांग्रेचुलेशन, आपकी एक्सरसाइज हुई यहाँ पे खत्म हुई आपकी डे 3 की एक्सरसाइज. फिनिश पे हम अप कर देते हैं यहाँ पे, अप कर देते हैं. इसके बाद आप क्या जाते हैं डाइट प्लान आपको मैंने बताया डे वन वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़ी है, पर यहाँ भी आगे मैं टच कर देता हूँ. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. डाइट वाली वीडियो आगे चेक कर लीजिएगा.
आपका डाइट प्लान आता है ब्रेकफास्ट का, आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर परांठा जैसे ही आपकी पूरी लिस्ट एक लगी हुई है, मतलब एक लिखा हुआ आ रहा है, छपा हुआ आ रहा है, एक राइट है डे वन की, डे टू की, डे थ्री की, मतलब डे वन से लेकर स्किप 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 डे 30 तक आपने यही एक्सरसाइज करनी है। ब्रेकफास्ट के वेजिटेरियंस के नॉन वेजिटेरियंस बताया, स्नैक्स का वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बताया, लंच का वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बताया, डिनर का वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन बताया। ये आपने चीज़ें हल्की हल्की खाने के साथ अपने रूटीन पे मतलब रखनी है। यहाँ से जितना आपको ये पूरी लिस्टेड मैंने छाप दी है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के लिए, तो अगर आपको समझ ना आए तो इन चीज़ों की पूरी स्पेल उठा के गूगल पे रख देना, आपको वो पूरी लिस्ट दे देगा कहाँ से आपने क्या, ये क्या है, ये करता क्या है, ये इसमें चीज़ें क्या हैं, इसमें सब कुछ आपके ए टू जेड आपके सामने रख देगा। इसी के साथ होती है डे वन के वीडियो ख़त्म। तो इसी के साथ होती है डे वन की वीडियो ख़त्म। वीडियो ख़त्म होने के बस अप हो जाती है। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए फिटनेस विद सैम के। अपना बहुत सारा